this opportunity, sir. Thank you. Shri Sunil Kumar, Honorable Member, Sunil Kumar. धन्यवाद सभापति महोदय. आज मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए 2024-25 के आम बजट में शिक्षा संबंधी डिमांड और ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ. महोदय, एनडीए के सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाकर एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है. इस शिक्षा नीति से रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. छोटे छोटे बच्चों को भी भारी भरकम पुस्तकों का थैला लेकर विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा. यह एक सराहनीय कदम है. माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिए हैं और डबल इंजन की सरकार बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा कौशल विकास पर जोर देने वाला रोजगारमुखी और विकासमुखी बजट पेश किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ. इस बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजट आवंटन में 30% की वृद्धि हुई है. इससे यह राशि 1,48,00,000 हो गई है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है. उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो वर्तमान में 28% है, उसे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए ई वाउचर पेश किए गए हैं. भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक स्टूडेंट को 10,00,000 रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए ई वाउचर दिया जाएगा और ये ई वाउचर हर साल 1,00,000 स्टूडेंट को ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज दर के लिए छूट दिए जाएंगे. इस ऋण की राशि से आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के दिलवा सकेंगे. केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है. सभापति महोदय, 15 साल से 29 साल के वायु वर्ग के केवल 4.4 युवाओं ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उस हिसाब से बजट ने युवाओं के कौशल सेट में सुधार के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना पेश किया है. हर साल 25,000 छात्रों के मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, जो युवाओं के कौशल विकास में सहायक साबित होगा. इस बजट के प्रावधानों के तहत ई श्रम पोर्टल के अन्य के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से कनेक्ट किया जा सके. इस योजना के माध्यम से 1,000 जॉब ट्रेनिंग सेंटर खोलकर 25,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने की योजना है. महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में भी इस तरह के जॉब ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, जिससे रोजगार संभावित काफ़ी कम है. महोदय, औद्योगिक सब प्रशिक्षण संस्थानों का डेवलपमेंट और कौशल विकास कार्यक्रम हब एंड स्कोप सिस्टम के तहत 5 सालों में 1,000 ITI डेवलप किए जाएंगे. सरकार के निर्णय का भी स्वागत होना चाहिए. इसके अंतर्गत राज्य और उद्योगों के सहयोग के परिणाम और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा. सभापति महोदय, मेरा एक आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र अति पिछड़ा और जनजातीय बहुल है, इसलिए इस 1,000 के सूची में वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के ITI संस्थानों को भी शामिल कर उसे विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय युवा भी तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण लेकर दक्ष हो सके. महोदय, बजट में व्यवस्था किया गया है कि शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की शीर्ष कंपनियां 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं के कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग देगी. 5,000 रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप मिलेगी. सरकार से मेरा आग्रह है कि आज के महंगाई के दौर में यह राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए. महोदय, सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. छात्रावास और क्रेज के जरिए कामकाजी महिलाओं की उच्च भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. हमारी सरकार समग्र विकास के राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी, साथ ही ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इस निर्णय का अभिनंदन करते हुए मेरी सरकार से मांग है कि जनजाति बहुल वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के हरनाटाल और बेलसंडी के अलावा रत्नपुरवा और कदमावा में थारू और उड़ाव आदिवासी जनजातियों के महिलाओं के लिए इस तरह के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएँ. सभापति महोदय, अंत में सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए और बिहार के ही मधुपुरा लोकसभा में भी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए और सुपौल लोकसभा के वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है, जमीन की रजिस्ट्री के लिए फंड दिया जाए. और अंत में मैं, क्योंकि महात्मा गांधी की कर्मभूमि वाल्मीकि नगर रही है और नरकटियागंज में गांधी दर्शन पर आधारित एक रिसर्च संस्थान भी खोला जाना चाहिए, जहां पर गांधीयन स्टडी की पढ़ाई होनी चाहिए. इसके साथ इस मांग पर सहमति जताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संजय देशमुख जी.